जिसके इरादे इंसानियत से अदावत रखती हूं, जिसके मंसूबे मानवता के खिलाफ हों, जिसके ख्वाहिशें खून बहाने की हो, जिसके अरमान भारत को मिटाने का हो, जिसकी बोली दुनिया शांति के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाती हो, उस कायर बुजदिल मसूद अजहर के बारे में लिखना कागज नहीं कलम काला करना है। मसूद अजहर 10 जुलाई 1968 को बहावलपुर में पैदा हुआ। पिता बहावलपुर के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे, लेकिन जरा सोचिए, ऐसी तालीम जो खून की होली खेलना सिखाती है, मसूद ने वही पढ़ा। इसके बाद हरकतुल जिहाद जैसे आतंकवादी संगठन की ट्रेनिंग ली और फिर दुनिया के खूंखार आतंकी अलकायदा से जुड़ गया। इसी जैश का एक और इलाका है बालाकोट, जहां सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 हुआ है। मसूद अजहर ने मार्च 2000 में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की नींव रखी थी। साल 2001 में अमेरिका ने जैश ए मोहम्मद को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया, जिसके बाद साल 2002 में पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद को बैन कर दिया। जैश ए मोहम्मद का नाम भारत, अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा जारी आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल है। मसूद अजहर ने भारत को आतंक के आंसू बहाए हैं, लिहाजा हिसाब तो बराबर होगा। क्योंकि भारत में मसूद अजहर का नाम पहली बार तब सुना गया जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया और भारत सरकार को इस प्लेन पर मौजूद लोगों को बचाने के लिए भारतीय जेलों में बंद 3 आतंकियों को रिहा करना पड़ा। इसी में एक आतंकी था मसूद अजहर। इसके बाद एक साल का ही वक्त गुजरा था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की बिल्डिंग में विस्फोटकों से भरा वाहन घुसाकर जैश ए मोहम्मद ने बड़ा आतंकवादी हमला किया। तब मसूद अजहर का नाम दोबारा सुर्खियों में छाया।